तो आज हम लोग सीखेंगे क्या फिजिकल ट्रेनिंग में पुशअप करना, पुशअप कैसे स्टार्ट, बिगिनर्स को कैसे पुशअप करना चाहिए और लास्ट में चल के किस तरह से पुशअप करना चाहिए फाइनल स्टेज में, और इससे हम क्या क्या अपना ट्राइसेप, बाइसेप और चेस्ट को किस तरह से स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा सकते हैं, ये सब सीखना है। तो पुशअप करने का पहले सही तरीका वो हमें पूरा बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे देखना है, ऐसे ठीक है, और इन दोनों शोल्डर्स के थोड़ा सा बाहर अपने हाथ को रखना है, ऐसे पूरा ये स्ट्रेट रहना चाहिए हमारा शरीर, और फिर धीरे धीरे नीचे रुकना है ऐसे, 1 2 3 ऐसे करना है आपको, ठीक है, ये सही तरीका है पुशअप करने का। तो आइए एक एक करके पुशअप का एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं इसकी फिटनेस कितनी अच्छी है। तो पहले आकर्षित पांडे आओ, पहले कम ही करना, स्टार्ट करिए, ये सही तरीका है पुशअप करने का, ये बिल्कुल जो पीठ होनी चाहिए और ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, इसी पोजीशन में पुशअप करना चाहिए। तो पर डे अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाइए, जैसे आज आपने 10 किया तो कल 15 करने की कोशिश कीजिए, फिर 20 करने की कोशिश कीजिए, इस तरह से आप अपनी फिटनेस को बढ़ा सकते हो और सही तरीके से पुशअप कर सकते हो। तो एक साथ अब चार लोग स्टार्ट करेंगे पुशअप, ये इधर वाला सही तरीके से नहीं कर रहा, आप पूरे स्ट्रेट रखिए पूरे शरीर को अपना, अब देखिए अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बहुत प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, तब आप ऐसे आप वेट रख के भी कर सकते हैं पुशअप, देखिए ये दोनों गुड, इस तरह से देखो वेट रखने के बाद वेट रख के ये पुशअप कर रहे हैं, गुड, देखिए थोड़ा सा टफ है लेकिन ज़रूर इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की है इसलिए इनका स्ट्रेंथ इतना बड़ा, और आज इस तरह से कर रहे हैं। अपने पीठ पे छोटा सा वेट रख के भी आप ट्राई कर सकते हो, जब 2-4-10 दिन आपने कर लिया हो तो। तड़ासन सीखेंगे, तड़ासन के थ्रू हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, और ये कैसे करना है अब इसको सीखते हैं, स्टार्ट। लंबे समय तक इस तरह से आपको इस पोजीशन में रहना है, इससे आपकी हाइट भी बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। देखिए दोनों पंजे पे खड़े होके और हाथ को बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ये आपका तड़ासन है, गुड, इसको इस पोजीशन में होल्ड कीजिए अपने आप को कम से कम 2-3 मिनट, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाइए। वज्रासन देखेंगे, वज्रासन के थ्रू हम अपनी ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, अगर पेट आपका बाहर आ रहा हो तो खाना खाने के बाद इसको किया जाता है, 5-10 मिनट तक कीजिए, इससे आपका पेट अंदर चला जाएगा और मोटापा भी कभी नहीं होगी आपको। इसमें अपने पंजे को मोड़कर पीछे की तरफ रखना है और बिल्कुल आगे की तरफ इस पोजीशन में बैठ जाना है, यही आपका तड़ासन है, या आप बेड पे भी कर सकते हो अपने घर पे बैठ के खाना खाने के बाद। चक्रासन, चक्रासन के थ्रू आप अपने कमर की चर्बी को कम कर सकते हो और इस तरह से फैट को रिड्यूस किया जा सकता है, ये चक्रासन है, डेली कम से कम 25-50 करने की कोशिश कीजिए सुबह उठ के, इससे आपकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी।